गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन और मैं हूँ राजश्री। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्रांड की मैट लिपस्टिक्स, तो जो विंटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वैसे जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो विंटर में इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं लिप्स पे कि उसको लगाने के बाद तो आपका जो जो लिप्स हैं वो अगर आप ओपन करोगे ऐसा लगता है कि फट ही जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसी लिपस्टिक लेके आऊँ कि जो आप उसको विंटर्स में भी यूज़ करो और काफ़ी अच्छी है, मॉइस्चराइजिंग है, बट वो मैट लिपस्टिक्स हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं उनका रिव्यू करूंगी आपके साथ। और जो मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ वो अंडर बजट भी होंगी, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा है मेरे पास सिर्फ तीन जो शेड्स हैं उसके, लेकिन जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जो शेड्स हैं वो आप अगर न्यूली वेडिंग हैं वो भी पहन सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो उसकी शेड्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी शेड्स मुझे लगी, तो उसमें से एक शेड मैंने अभी भी जो लगाई हुई है ये भी न्यूड शेड में है। तो मैं 1x1 करके उनका जो शेड नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और उनके कितनी वो लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है, सब आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आपको लेनी है तो आप किस साइड से वो ले सकते हैं वो भी सब कुछ क्लियर मैं करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उसको काफ़ी ज़्यादा आपने पसंद किया। तो वैसे अभी मैं बीच बीच में ब्लॉग्स भी डालती रहूँगी और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जो अभी तो मैं मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ, बीच में कोई मूवमेंट होगी जैसे जिस मेरा बेटा कुछ कर रहा है जाम, तो कोई ऐसी चीज़ें होगी जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो। तो इसीलिए मैं वो छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे आगे मैं आपको पूरी डे अपना रूटीन वो भी शेयर करूंगी, ऑल इन वन शेयर करने वाली हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं जो शेड्स आपके लिए लेके आई हूँ वो है ये, तो आपने इसे देख लिया है, ये है एल लिटिन की लिपस्टिक्स। तो ये बहुत ही अंडर बजट है और इनकी जो शेड्स है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी शेड्स है। तो मैंने सिर्फ तीन शेड्स लिए हैं, डिफरेंट मतलब कि बिल्कुल चूज करके लिए, वो काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी। तो सबसे पहले मैं जो जिस लिपस्टिक का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एल एटिन की लिक्विड मैट लिपस्टिक और लिक्विड लिप कलर। तो ये आपको ना इस तरीके की ये पैकेजिंग में मिलेगा, जैसे आपने देखा भी होगा कि ये इस तरीके की पैकेजिंग में आपने मतलब कि देखी होंगी, तो इस तरीके की ही ये आपको मिलेगी। और ये 100% जेन्युइन लिपस्टिक्स हैं और मैंने ये ली है, वैसे तो मैंने ये नायका से ली थी, बट अगर आप पर्पल से लोगे तो आपको थोड़े से कम प्राइस में आपको रिसीव होंगी, मतलब थोड़ी अंडर बजट में हो जाएगी। और इसका जो प्राइस है आई थिंक वो 120 है, तो मुझे वैसे भी पर्पल पे 110 या 105 की ही मिली थी, सॉरी नायका से। अगर आप पर्पल से लोगे तो ये मुझे लगता है कि 9500 तक आपको ये मिल जाएगी, पर 100 रुपीज में अगर आपको इस तरीके की लिपस्टिक्स मिलते, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी इनसाइड लिपस्टिक्स की, वो भी अंडर बजट थी, तो ये भी अंडर बजट लिपस्टिक्स ही हैं और ये विंटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जो बाकी जो लिपस्टिक्स होती हैं वो जब आप विंटर में अप्लाई करते हो अपने लिप्स में तो वो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है और ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या लगा दिया हुआ है लिप्स पे, कि जो बिल्कुल भी एक तो वो हटती नहीं है, आपको पता है कि ट्रांसफर प्रूफ भी होती है और इतनी ड्राइनेस, और उसके ऊपर आप कुछ लगा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो ये लिपस्टिक्स हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं आपके सामने ये आपको बिल्कुल अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, इसका जो शेड्स क्या है वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले जो ये है ये न्यू शेड में है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो इसका जो शेड है टोनी वुड कलर में है, मतलब टोनी वुड शेड है इसका B92, ठीक है। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साइड पे स्क्रीन में भी मेंशन हो जाएंगे। और ये न्यूड शेड में है तो ये आपको जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो ब्रश है वो आपको इस तरीके का ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको, जैसे मैंने अभी ये ही अप्लाई की है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने कलर दिखाया होगा ये सेम वही कलर आपको मिलेगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसका देखने को आपको मिलेगा। और ये ऐसी लिपस्टिक है और इतनी मतलब कि ये लिक्विड लिपस्टिक है कि जब आप इसको एक बार जब अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, जैसे विंटर है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है ड्राई होने में, तो ये थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा कि ड्राई हो जाएगी आपके लिप्स पे
और उसके बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई भी लिपस्टिक अपने लिप पे अप्लाई की है। मतलब कि थोड़ी देर के बाद ना कभी तो आप भूल भी जाओगे कि आपने कुछ अप्लाई किया भी है नहीं। और ये ऐसी मैट लिपस्टिक है कि आपको उसको यूज करने के बाद बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा टेक्स्चर है इसका कि ये ना आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देती है। तो मुझे ये विंटर के लिए काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने बड़ी देर से ये मैंने मंगवाई हुई थी, जैसे आपने मेरे नायका हॉल भी देखा होगा वहां पे भी आपने देखा होगा कि मैंने मंगवाई थी। बट ये मैंने इसको ट्राई किया विंटर में तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगी और अंडर बजट भी था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये लिपस्टिक है ये अभी इतनी ज्यादा ना ड्राई नहीं हुई है। जैसे मैंने यही अप्लाई की है अपने लिप्स पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने ट्रांसफर होती है। ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती। अगर हम इसकी लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो ये ना 5-6 आवर तक तो ये रहती ही रहती है। मतलब इससे ज्यादा है कि ये थोड़ी सी लिक्विड है तो इससे ज्यादा जो स्टे रहना है इसका मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 4-5 मतलब 6 आवर के अंदर अंदर तक ये काफी अच्छे तक मतलब की रह लेगी। ये लॉन्ग लास्टिंग है ये, तो इससे ज्यादा जो दूसरी वाली लिपस्टिक्स होती है वो इतनी सुपर स्टे इसलिए होती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा थिक होती है और लिप्स पे इतनी ज्यादा ड्राई कर देती है वो फिर रहती ही रहती है। बट ये इतनी ज्यादा क्रीमी है कि थोड़ी मतलब कि 5-6 आवर के बाद ना ये थोड़ी बहुत चली जाएगी, लेकिन जिसका जो टिंट होता है ना लास्ट में वो रहता ही रहता है और उससे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल भी मतलब कि फैलती भी नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ भी है और सुपर स्टे भी है, और मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगी। आप पर्पल से देख सकते हैं, वहां पे आपको और भी शेड्स मिल जाएंगी। ये रहा फर्स्ट, तो ये अब जैसे ड्राई होता जाएगा मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। सेकेंड जो शेड है ये रहा पिंक कलर में, ये रेडिश कलर है, बहुत ज्यादा अच्छा कलर मुझे लगा। ये पिंक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, बहुत ही प्रिटी कलर है ये। और ये जैसे कोई ड्रेस आप इस तरीके की लेते हैं तो उसके साथ मैचिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसकी जो शेड है वो है डीप कोरल C60। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा कलर जब मैंने इसको अप्लाई किया था। इसको अप्लाई करने के बाद फेस इतना ज्यादा ब्राइट और इतना ज्यादा ग्लोइंग लगता है ना कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो इसकी ना जो इसकी फ्रेग्रेंस ना इतनी ज्यादा सॉफ्ट, इतनी टॉफी जो फ्लेवर आते हैं ना वैसे इनकी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा अच्छी लगता है कि हम खुद खा भी लें। तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप इसका जो सिंगल कोट से ना आप इसका कलर देखने को मिलेगा, और ये काफी ज्यादा मुझे लगा और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसके जो बाकी शेड्स भी हैं 2-3 और, मतलब इसमें बहुत ज्यादा शेड्स थी तो मैं और भी मंगवाऊंगी, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और मैं मंगवाने वाली हूँ इतनी कम बजट में और इतनी अच्छी विंटर के लिए, काफी ज्यादा अच्छी है और स्टे भी है। और आपको क्या चाहिए, और 100 रुपीज तक आपको ये मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है रेड, जो सेकंड कलर है, ये आपको ना इस तरीके का मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये रहा सेकंड शेड। उसके बाद जो थर्ड शेड है वो पिंक में है, जैसे फ्यूशिया पिंक होता ना ये वैसा ही है, बट ये डिफरेंट है, फ्यूशिया पिंक से भी डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। और इसकी जो शेड है वो है P72 फ्लेमिंगो पिंक कलर। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आज जैसे आपको पता है कि मेरे पास पिंक कलर की जो लिपस्टिक वो काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा लिपस्टिक से कलेक्शन है। तो मैं एक वीडियो आपके साथ ऐसी भी शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको अपनी लिपस्टिक्स मतलब हर एक जो भी मेरा लिपस्टिक है वो सब आपके साथ शेयर करूँ, या तो ब्लॉग डाल दूंगी या तो आपके सामने मैं अपने जो मेरी लिपस्टिक कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा लिपस्टिक्स हो गई है मेरे पास। मुझे फुल पूरे मेकअप में ना लिपस्टिक्स जो लगाना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी इसके जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस, ये तो मैंने काफी ज्यादा ले लिया। उसके बाद ये रहा थर्ड कलर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंगल कोट से इसका आपको कलर देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है। जैसे अब ऊपर वाली आप देख सकते हैं कि ये ना हो गई है, ड्राई हो गई है ये सेकंड जैसे मैंने सिंगल कोट लगाया था ड्राई हो गई, ये अभी ड्राई होना बाकी है। उसके बाद ये भी जो शेड्स हैं बहुत ज्यादा अच्छी, इसमें कोई भी शेड लोगे ना इतनी ज्यादा डिफरेंट शेड्स हैं कि आपको हर एक जो इसकी शेड होगी ना आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मैंने इसके शेड के बारे में बता दिया। अब मैं बता देती हूँ कि जो क्वांटिटी है वो कितनी मिलेगी। 5.6 ml इसकी क्वांटिटी है। मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू प्राइस काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि ये ना सिंगल कोर्स का कलर आ जाता है और ये बहुत देर तक चल भी जाएगी। ये उसकी शेड्स बहुत ज्यादा अच्छी है, आप और भी इसकी शेड्स देख सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ ये 3 ही शेड्स थी जो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, आप ये भी ले सकते हैं। और भी ट्राई करनी होंगी तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो इसके अलावा मैं आपके साथ और भी न्यू जो प्रोडक्ट है उसके भी रिव्यू शेयर करती रहूँगी, जो डेली मेरा ब्लॉग भी आएगा और नेक्स्ट डे उसके एक वीडियो भी आएगी और शॉर्ट वीडियो भी आएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल बटन जो है उसको प्रेस करना ना भूलना, जिससे आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन जो होगी वो बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो शेयर्स देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।